अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मिक्सर की जार में मैं 8-10 काजू और 8-10 बादाम डालूंगी और डालूंगी 50 ग्राम फिक्का मावा, थोड़ी सी कोथमीर, एक वाटी दही। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस कर लेना है। ये मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ, इसको धोकर साफ करके रख दी हूँ। इसमें डालूँगी पिसा हुआ मसाला और इसमें डालूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 4 हरी मिर्ची को बीच में से काट कर ली हूँ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का। अभी हम सारी चीज़ को मिक्स करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। चिकन को 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसे पकाएंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें डालूंगी तेल। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2-3 तेज पत्ता, 1 चक्रीफूल, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10-15 काली मिर्च। इसको अब हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें से खुशबू अच्छी आए। 2 मिनट पकाने के बाद खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला लगा हुआ चिकन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और ये मसाले को भी डाल दूंगी। अब हम इसे 5 मिनट तक के भूनेंगे। चिकन को 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ढक्कन ढककर 10 मिनट तक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 कप दूध भी डालेंगे तो भी चलेगा। और इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स करूंगी। क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए बारीक आंच पे पकाऊंगी। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह चिकन भी गल चुका है, ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह कश्मीरी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कश्मीरी चिकन कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।